दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदोस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 अक्टूबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बिहार न्यूज में बात करते हैं कि त्यौहार के सीजन में मिलावटखोरों की सक्रियता बढ़ जाती है, जब मिठाई से लेकर तेल घी तक में मिलावटी की जाती है। मिलावट के कारण जहां लोगों को सही कीमत देने के बाद भी सही सामान नहीं मिल पाता है, वही मिलावटी खाद्य पदार्थ के सेवन के कारण वे कई प्रकार की बीमारियों की गिरफ्त में भी आ जाते हैं। जब दुर्गा पूजा पर मिठाइयों की बिक्री बूम कर जाती है, जहाँ ऐसे में अधिक मुनाफा के चक्कर में मिलावटखोर मिठाई में मिलावट करते हैं। जब खोआ की मिठाई में स्टार्च या फिर मैदा मिलाया जाता है, मैदा का रंग भी खोआ की तरह सफेद होता है, जिन्हें इस कारण ग्राहकों को मिलावट का पता भी नहीं चल पाता है। जहां वही मिठाई में चमक के लिए प्रतिबंधित रंगों का भी इस्तेमाल किया जाता है। जहां खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों की सुस्ती के कारण मिलावट का धंधा परवान चढ़ता है। जहां नवरात्र को लेकर मिठाई की बिक्री शुरू हो गई है, ऐसे में मिलावटखोरों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आई तेजी के बीच रविवार को लगातार छठे दिन घरेलू स्तर पर पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस बढ़त के बाद बिहार में पेट्रोल 109 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है, वही डीजल भी 102 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। यह रेट बिहार की खासकर सीमांचल इलाके की है, जहां मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 100 रुपए 66 पैसे लीटर पर पहुंच गया है। लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद इस सप्ताह के पहले दिन सोमवार को इन दोनों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन मंगलवार से इन दोनों में वृद्धि की जा रही है। बिहार में इनकी कीमतें अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, खासकर सीमांचल इलाके में। दोस्तों बिहार में पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है कि बिहार के कई जिलों में तीसरे चरण के लिए कुछ मतदान केंद्र पर फिर से मतदान कराया जाएगा। इसको लेकर बिहार निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। खबर के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ जिलों के मतदान केंद्र पर गलत ईवीएम चले जाने के कारण वहां फिर से मतदान कराने का फैसला किया है। इसको लेकर जिले के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। बिहार के 5 क्षेत्रों में दोबारा चुनाव होंगे। दोस्तों दीपावली छठ पर अगर आप घर आना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रेलवे दिल्ली से बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चला रही है। इसको लेकर रेलवे के द्वारा घोषणा की जा चुकी है। यात्रीगण ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के द्वारा टिकट बुक कर सकते हैं। आपको बता दें कि त्योहारों के मौके पर नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल से पूर्व मध्य रेल के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, सहरसा और जयनगर स्टेशनों के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इससे यूपी और बिहार के लोगों को फायदा होगा। दोस्तों बिहार में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा शनिवार को 6 करोड़ के पार हो गया है। जब शनिवार शाम 6 बजे तक कुल 6 करोड़ से पार हो गया है, यानी कि 6 करोड़ व्यक्तियों को कोरोना टीका दिया जा चुका है। इसे मिलाकर बिहार में अब तक ये उपलब्धि हासिल करने वाला बिहार देश का 6वां राज्य बन गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 6 माह में 6 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अभियान भी शुरू कर दिया था। जब बिहार में अब तक 4,66,97,374 व्यक्तियों को कोरोना टीके की पहली डोज और 1,35,32,948 व्यक्तियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इसके साथ ही आबादी के समान अनुपात वाले दूसरे राज्यों में 6 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले राज्यों में बिहार शामिल हो गया है। जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा 263 दिनों में 6 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को कोरोना टीका दिया गया है। बिहार में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान का संचालन किया जा रहा है। जब बिहार में अब तक कोरोना टीकाकरण के 8 विशेष अभियान संचालित किए जा चुके हैं। दोस्तों बिहार में सभी जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियों के लिए +2 स्कूल खुलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग में इसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। जहां सरकार के इस फैसले का लाभ बिहार की बड़ी आबादी को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में इस आशय के निर्देश दिए थे। जहां उन्होंने ये भी कहा था कि जिन जिलों में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास निर्माणाधीन है, उनका निर्माण कार्य तेजी से पूरा करे। छात्र छात्राओं के बकायत छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द ही कराए जाने के संबंध में भी उन्होंने निर्देश दिया है।
दोस्तों बिहार में दवा के नाम पर जहर का कारोबार हो रहा है। जब बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी पटना के जीएम रोड मौत की मंडी बन चुका है। ड्रग विभाग के छापेमारी के दौरान स्टॉकिस्ट के पास से संदिग्ध दवाओं की खेप बरामद हुई है। ये दवाएं नकली है या फिर असली, इसकी जांच पड़ताल कराई जा रही है। लगातार तीसरे दिन शनिवार को हुई छापेमारी में ये जय एंटरप्राइजेस से 70,000 की दवाएं जब्त की गई है। 3 दवाओं का नमूना जांच के लिए भेजा गया है, जबकि बाकी संदिग्ध दवाओं को नष्ट कर दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर अमल का कहना है कि 3 दिनों में अकेले उनकी ही टीम ने लगभग 2,00,000 की दवा जब्त की है। जब 3 दिनों में 20 तरीके की दवाओं का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। जहां स्टॉकिस्ट के पास फ्रिज तक की व्यवस्था नहीं है। दवा के लाइसेंस को लेकर फ्रिज तो आधार है, और जिस दुकान पर फ्रिज नहीं है वहां कम तापमान में रखी जाने की वाली दवाएं कैसे स्टोर की जाती है, यह बड़ा सवाल है। ऐसे में मरीजों के लिए दवाएं पूरी तरीके से कारगर भी नहीं हो पाएगी। जब दवा की मंडी जीएम रोड पर लगातार तीसरे दिन शनिवार को छापेमारी हुई है। गुरुवार को 2 दुकानों पर छापेमारी हुई थी। दोस्तों समाज कल्याण विभाग ने घर में रहने वाली लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए पिछले साल से दूसरे राज्यों में भेज रही है। जो योजना के तहत 14 लड़कियों को बेंगलुरु में स्थित यूरेडियन एकेडमी में होटल मैनेजमेंट की शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए 2020 में भेजा गया था। इनकी ट्रेनिंग इसी माह पूरी हो गई है और इनमें से 10 लड़कियों का बेंगलुरु और मुंबई में प्लेसमेंट हो गया है। जी हां, इस योजना के तहत लड़कियों के जीवन में बदलाव आया है। 4 ऐसी लड़कियां ट्रेनिंग लेकर वापस आ गई है जिनकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई है। जी हां, जब अगले साल इनकी उम्र 18 साल हो जाएगी तो फिर इनका भी मुंबई में प्लेसमेंट होगा। साथ ही इस साल 30 लड़कियों को बेंगलुरु ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इससे लड़कियां आत्मनिर्भर बनेगी। दोस्तों फुलवारी शरीफ इमारत सरिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जब मुंगेर के मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी चुनाव जीत गए हैं। जब मौलाना अनिसुर रहमान को हराकर मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी अमीर शरीयत बन गए हैं। जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी 8वें अमीर शरीयत मौलाना फैसल रहमानी को जीत के लिए मुबारकबाद दी है। उन्होंने आशा जताई है कि मौलाना फैसल रहमानी के नेतृत्व में इमारत सरिया तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचेगा। जहां आपको बता दें कि भूतपूर्व अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी के इंतकाल के बाद ये पद खाली हुआ था। जहां इमारत शरिया के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 100 साल के बाद पहली बार हुआ है। जहां ये चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच करवाया गया। जहां चुनावी मैदान में शुरुआत में 5 उम्मीदवार थे, 3 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया जिससे 2 लोग बच गए। जहां इन 2 उम्मीदवारों में अहमद वली फैसल रहमानी और अनिशुर रहमान कासमी के लिए वोटिंग की गई। जहां बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 8वें अमीर शरीयत मौलाना फैसल रहमानी को जीत के लिए मुबारकबाद दी है। उन्होंने आशा जताई है कि मौलाना फैसल रहमानी के नेतृत्व में इमारत सरिया की ऊंचाई पर पहुंचेगा। दोस्तों बिहार के 6 विभागों में इंजीनियरों की करीब 44% अब भी कमी है। इनमें पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शामिल है। हालांकि कई विभागों द्वारा इसके विकल्प के रूप में संविदा पर इंजीनियरों की बहाली पर काम करवाया जा रहा है, इसके बावजूद भी कामकाज की गति धीमी है। जहां इंजीनियरों की कमी का असर विभागों के कामकाज पर भी पड़ रहा है। सभी 6 विभागों की अधिकतर परियोजनाएं अपने तय समय से 2 से 3 गुना समय की देरी से पूरा हो रही है। जब परियोजनाओं के निर्माण या फिर मरम्मत में देरी से उनकी लागत भी कई गुना अधिक बढ़ जाती है। जहां इससे बिहार सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, साथ ही आम लोगों को भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, गोपालगंज, नालंदा, नवादा, सारण, सिवान के पानी में यूरेनियम मिला है। इससे इन जिलों में कैंसर और किडनी की समस्या बढ़ सकती है। खबर के अनुसार बिहार के पानी में आर्सेनिक की मात्रा मिलती थी, लेकिन पहली बार बिहार के पानी में यूरेनियम मिला है, जिसका असर इंसान के सेहत पर पड़ सकता है। पानी में यूरेनियम की मात्रा मिलने से वैज्ञानिक हैरान है तथा इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि पानी में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होने पर कैंसर और किडनी की समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों की टीम इस पर रिसर्च कर रही है। बिहार के कुछ जिलों के पानी में 85 माइक्रोग्राम प्रति लीटर यूरेनियम मिला है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है, लेकिन बिहार में पहली बार इस अनुपात में यूरेनियम का मिलना वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि बिहार के पानी में यूरेनियम कहां से आ रहा है।
दोस्तों पटना एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोने की बिस्किट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जब विदेशी सोने की बिस्किट के साथ जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अहमद अब्दुल है। जब उसके पास से तकरीबन 28 लाख रुपए के सोने की बिस्किट बरामद की गई है। जब बरामद सोने का वजन 583 ग्राम है। आपको बता दें कि अहमद अब्दुल चेन्नई के रघुनाथपुरम का रहने वाला है और मिली जानकारी के मुताबिक वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जांच में पता चला है कि उसका कनेक्शन सोने की बिस्किट की तस्करी करने वाले इंटरनेशनल स्मगलरों से है। जहां कस्टम विभाग की जिस टीम ने यह कार्रवाई की है उसके मुताबिक युवक ने सोने की बिस्किट को अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से में छुपा कर रखा हुआ था। यह तलाशी के दौरान युवक के पास से कई फर्जी प्रमाण पत्र भी मिले हैं। दोस्तों बिहार के ग्रामीण इलाकों तक बिजली पहुंचाने के मामले में बिहार अग्रणीय रहा है। जहां पिछले कुछ सालों में बिजली क्षेत्र में बिहार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सुदूर गांवों तक बिजली पहुंचाने और फिर 20 से 22 घंटे तक बिजली की उपलब्धता ने नया मुकाम हासिल किया है। पर पिछले कुछ दिनों में बिजली की समस्या खड़ी हो गई है। जब पूरे देश में कोयले के संकट के कारण बिहार में भी बिजली की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इन दिनों बिहार के ग्रामीण इलाकों में 7 से 9 घंटे तक लोड शेडिंग हो रहा है। जहां बिहार को केंद्रीय सेक्टर से लगभग आधी मिल रही है जिसने परेशानियां बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी से बिहार को 4500 मेगावाट बिजली मिलनी है जबकि बिहार को सिर्फ 3000 मेगावाट बिजली ही मिल रही है। जब बिहार खुले बाजार से 1000 मेगावाट खरीद रहा है पर ये जरूरत को पूरा करने में अक्षम साबित हो रहा है। दो प्राइवेट कंपनियों से करार के अनुसार बिहार को 688 मेगावाट बिजली मिलने की बात पर फिलहाल 347 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है। जहां एनटीपीसी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में कोयले का संकट नहीं होने के दिया जाएगा। जब बिहार में 10 दिनों का पर्याप्त कोयले की उपलब्धता है। जब बिहार के बड़े शहरों में फिलहाल बिजली की स्थिति ठीक रखी गई है पर सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोड शेडिंग की समस्या गंभीर बनी हुई है। जहां बिजली बहुत ज्यादा कट हो रहे हैं। जहां जिलों की बात करें तो मुंगेर को 60 मेगावाट, बांका को 70 मेगावाट, सीमांचल में कटिहार को 80 मेगावाट, किशनगंज को चाहिए था 60 मेगावाट पर 20 मेगावाट दिया जा रहा है। जब पूर्णिया को 100 मेगावाट मिल रहा है, अररिया को 100 मेगावाट और मुजफ्फरपुर को 70 मेगावाट बिजली मिल पा रही है। जब कम बिजली मिलने के कारण 7 से 9 घंटे तक बिजली कट रही है। दोस्तों राम मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग राजस्थान ने किया है। यह केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने यह जानकारी दी है। यह अहमदाबाद में राजस्थान गुजरात मैत्री संघ कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अभी तक आए चंदों में से सबसे ज्यादा चंदा राजस्थान से आई है। यह उन्होंने कहा कि मारवाड़ी समाज सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला समाज है। मंदिर बनाने के लिए इस समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। दोस्तों खरीफ सीजन में बिहार में बाढ़ और वर्षा से 998 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कृषि विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग को किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए रिपोर्ट भेजी है। आपदा प्रबंधन विभाग से सहायता राशि मिलने के बाद 33% से अधिक फसल गंवाने वाले किसानों के खाते में पैसे भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच बिहार में हुई भीषण वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी और सीमांचल का हवाई सर्वेक्षण किया था। जी हां, बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार मुसीबत की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। बाढ़ प्रभावित सभी किसानों को सरकार हर संभव सहायता मुहैया कराएगी। फसल क्षतिपूर्ति में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। जब बिहार सरकार का मानना है कि खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। जब कृषि मंत्री ने शुक्रवार को बताया है कि बाढ़, अतिवृष्टि एवं अक्टूबर माह में लगातार वर्षा के कारण खरीफ फसलों को कुल 998 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जब किसानों को हुए नुकसान का क्षतिपूर्ति जल्द ही दी जाएगी। दोस्तों बिहार में 2 विधायकों के निधन के बाद विधानसभा की खाली हुई सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। जहां उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, लोजपा के उम्मीदवार समेत कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है। इनमें मुंगेर जिले के तारापुर सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजीव कुमार सिंह की काफी चर्चा हो रही है। जदयू ने एक कुख्यात को लोकप्रिय उम्मीदवार बताया है। यह दरअसल जेडीयू ने जिस राजीव कुमार सिंह को विधानसभा उपचुनाव का टिकट दिया है वह अपने इलाके में काफी कुख्यात हैं। उन्होंने 4 दिन पहले ही 5 अक्टूबर को नॉमिनेशन किया था। जहां नामांकन के दौरान बिहार सरकार के पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, बांका विधायक गिरधारी यादव समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार के ऊपर बम धमाका कराने, अवैध हथियार रखने और जानलेवा हमला कराने का आरोप है। ये तीनों संगीन मामले राजीव कुमार सिंह के खिलाफ
दर्ज है। राजीव कुमार सिंह के कारनामों का खुलासा खुद उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी में हुआ है। चार दिन पहले मुंगेर जिले की तारापुर सीट से राजीव कुमार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के लिए दाखिल किए गए शपथ पत्र में उन्होंने बताया कि उनके ऊपर 3 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये सभी मामले कोर्ट में चल रहा है। जदयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह पर सबसे पहला केस 1994 में अमर्स एक्ट में दर्ज किया गया। यह केस 88A 1994 अवैध हथियार रखने के आरोप में तारापुर थाना में दर्ज किया गया था, जो मुंगेर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में लंबित है। दूसरे केस में जदयू उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह पर हत्या की कोशिश कराने का आरोप है। यह कांड संख्या 89A 1994 मामले का तारापुर थाना में ही दर्ज है। आरोप है कि राजीव कुमार सिंह ने लोगों की भीड़ जुटाकर एक शख्स के ऊपर जानलेवा हमला किया था। यह केस भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुंगेर की अदालत में चल रहा है। तीसरा और सबसे गंभीर आरोप बम धमाका करवाने का है। यह मामला तारापुर थाने में 2014 में दर्ज हुआ था। केस 47/2014 में राजीव कुमार सिंह पर आईपीसी धारा 3 और 4 का आरोप लगाया गया था। यह विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आता है। दोस्तों, भारतीय किसान संघ यानी कि बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या प्रदर्शनकारियों को कुचलने वाले वाहन की प्रतिक्रिया थी। यह इसमें कोई योजना शामिल नहीं थी और यह हत्या नहीं है। यह राकेश टिकैत ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह एक्शन का रिएक्शन था। यहाँ इसमें कोई योजना शामिल नहीं थी और यह हत्या नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सड़क पर 2 कारें टकराती है तो दोनों पक्ष बाहर आकर मारपीट करने लगते हैं। ये क्या है? ये केवल एक प्रतिक्रिया है, ये हत्या में नहीं आता है। मैं इसे हत्या नहीं मानता। दोस्तों, बिहार सरकार ने छोटे बिजली घरों को बंद करने का निर्णय लिया है। यह बिहार को लंबे अरसे से बिजली देने वाले 2 यूनिट एनटीपीसी बंद करने की तैयारी में है। कांटी और बरौनी थर्मल पावर प्लांट बंद करने से बिहार में बिजली की समस्या और भी ज्यादा गहरा सा गिर जाएगी। यह इस मुद्दे को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हुआ है। बिहार में 110 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाली 2 इकाइयों कांटी और बरौनी थर्मल पावर प्लांट को एनटीपीसी द्वारा बंद किए जाने के ऐलान के बाद सियासत गर्म हो गई है। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को ट्वीट करके बिहार सरकार पर निशाना साधा है और लिखा है कि बिहार में बिजली दर देश में सबसे अधिक होने के बावजूद भी सरकार की नाकामियों के चलते आगामी दिनों में बिजली संकट गहराएगा। डबल इंजन सरकार कांटी और बरौनी के बिजली घर भी बंद कर रही है। डबल इंजन सरकार से बिहार को ट्रिपल नुकसान हो रहा है और हर क्षेत्र में ट्रबल ही ट्रबल यानी कि नुकसान ही नुकसान। दोस्तों, यूपी में पिछले 3 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन के लिए किए जा रहे किसानों को कथित रूप से अपनी गाड़ी से कुचले देने के आरोप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के एक विशेष जांच दल ने आशीष मिश्रा को शनिवार को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। आशीष मिश्रा करीब दोपहर 11 बजे SIT के पास पेश हुए, जहां उनके साथ उनके वकील और लखीमपुर सदर से भाजपा विधायक योगेश वर्मा भी थे। जिले के क्राइम ब्रांच ऑफिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जहां उनको अभी पूछताछ कक्ष में ही रखा गया है और मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में यूपी सरकार की कार्रवाई पर असंतोष जताया था। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि पूछताछ में सवालों का सटीक जवाब नहीं दे सके, इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, बीते शनिवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का लखीमपुर खीरी का दौरा राजनीतिक पर्यटन का उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी का दौरा करने गए राहुल गांधी के भीतर वास्तविक सहानुभूति और करुणा नहीं है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को जहां भी मौका मिलता है वे अपने राजनीतिक पर्यटन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी उस घटना में मारे गए पत्रकार के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? जहां वे कश्मीर में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने घाटी क्यों नहीं गए? दोस्तों, RJD ने एक बार फिर से पोस्टर के जरिए सरकार पर हमला किया है। जहां इस पोस्टर में लखीमपुर में किसानों के साथ हुई बर्बरता को दर्शाया गया है। जहां वही पोस्टर में एक तरफ नाथुराम गोडसे द्वारा गांधी जी को गोली मारते हुए दिखाया गया है तो वही दूसरी तरफ तस्वीर लखीमपुर खेरी में किसानों पर गाड़ी चलाते हुए दिखाया गया है। RJD ने दोनों घटनाओं को एक समान बताया है। साथ ही पोस्टर पर कैप्शन के रूप में लिखवाया गया है कि जो गांधी जी का हथियारा है वही किसानों का भी हथियारा है। इन तस्वीरों के जरिए RJD सीधे
भाजपा पर निशाना साध रही है। जहां लखीमपुर की घटना को पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है और लिखाया गया है कि जो गांधी जी का हत्यारा है वही किसानों का हत्यारा है, और साथ में लिखा गया है कि किसानों पर अत्याचार कब तक सहेगा हिंदुस्तान, और नीचे लिखा गया है तीनों कृषि कानून वापस लेना होगा। जब पोस्टर का समर्थन करते हुए आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण ने लिखा है कि लखीमपुर में किसानों के साथ जो कुछ भी हुआ है वह बिल्कुल गलत था, जब मामले में यूपी की पुलिस सिर्फ दिखावा कर रही है। आरजेडी के नेताओं ने यह पोस्टर लगाया है और उनका कहना है कि जिस तरीके से अभी हम आजादी के 75 साल में हैं, लेकिन अंग्रेजों का जो शासन काल था वही आज भी है। दोस्तों, बिहार में अगर किसी व्यक्ति को नया राशन कार्ड बनाना है तो वे ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। यह खबर के अनुसार गरीब लोगों को सस्ते दरों पर अनाज देने के लिए बिहार सरकार लोगों का राशन कार्ड बनवा रही है, इसीलिए आप भी फटाफट राशन कार्ड बनवा लें। अगर आप बिहार में राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो फिर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, वोटर कार्ड, बिजली बिल रसीद आदि कोई भी चीज होनी चाहिए। बिहार में रहने वाले लोग अगर नया राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आप आधिकारिक वेबसाइट www.eps.bihar.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिहार में डिजिटल नक्शा खतियान और राजस्व रिकॉर्ड लोगों को उपलब्ध कराएं। जब गिरिराज सिंह ने शनिवार को शास्त्री नगर में स्थित सर्वे भवन में पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सभी नक्शों को डिजिटलाइज कर दिया गया है, परंतु इसके लिए केंद्र से राशि मिलनी है। बिहार में सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, इसके लिए भी केंद्र से फंड की जरूरत है। बिहार सरकार जल्द ही आधुनिक अभिलेखागार की मदद से डिजिटल नक्शा खतियान और राजस्व रिकॉर्ड लोगों को उपलब्ध कराएगी। दोस्तों, बिहार में तेज बरदस्त यानी कि तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच विरासत की लड़ाई तेज होती जा रही है। जब सत्ता के शीर्ष पर जाने के लिए दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ लगातार नई चाल चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव जहां बगावती सुर अपनाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की विरासत खुद के पास रखने के लिए अपनी ताकत का एहसास करवा रहे हैं। जब ताजा मामला तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के दो दिन पहले जहां तेज प्रताप से समर्थन प्राप्त करके संजय सिंह ने तारापुर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए अपना नामांकन तो कर दिया, लेकिन दो दिन के अंदर ही तेजस्वी यादव ने बड़ी चाल चल दी। दरअसल तेजस्वी यादव ने शनिवार शाम संजय कुमार को अपने आवास पर बुलाया और उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस लेने का ऐलान कर दिया है और आरजेडी में भी शामिल हो गए हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव के इस फैसले के बाद तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं और उन्होंने तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव को जमकर लतार लगा दी है। तारापुर सीट से नामांकन वापस लेने के संजय कुमार के फैसले पर तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उनका इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव के सलाहकार को लतार लगाते हुए ट्वीट किया है कि जनता के लिए संजय कुमार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली। संजय कुमार ने कहा है कि बिहार में आरजेडी सरकार बनानी है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा और आरजेडी परिवार को मजबूत बनाने के लिए मैं अपना नामांकन वापस लूंगा। अब मेरा मकसद है तारापुर से आरजेडी उम्मीदवार को जिताना। दोस्तों, विश्व डाक दिवस पर पटना में डाकियों को शानदार तोहफा मिला है, जहां अब वे साइकिल की बजाय इलेक्ट्रिक स्कूटी से चिट्ठियों और पार्सल बांटते नजर आएंगे। जहां इसकी शुरुआत शनिवार को हो चुकी है। जहां शनिवार को पटना जीपीओ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय डाक दिवस का आयोजन किया गया था। इस मौके पर निदेशक पंकज कुमार मिश्रा ने पटना जिले में इलेक्ट्रिक स्कूटी से डाक वितरण की सेवा शुरू की है, नई सेवा शुरू की है। दोस्तों, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। यह ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के 13,817 पदों पर कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी, इसको लेकर तैयारियां चल रही है। खबर के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बिहार के सभी कुल सचिवों को तृतीय श्रेणी के खाली पड़े पदों की सूची पोर्टल पर ऑनलाइन जल्द ही मुहैया कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए 15 अक्टूबर का समय दिया गया है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पटना में 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के कई देशों और राज्यों के सामान उपलब्ध कराए गए हैं। यह खबर के अनुसार ये मेला सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक लोगों के बीच खुला रहेगा। इस मेले में आप कई देशों के एक से बढ़कर एक सामान को देख सकते हैं और उसे खरीद भी सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है।
दोस्तों वीआईपी के अध्यक्ष और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि मिशन 2022 में उत्तर प्रदेश में 27 जातियों को आरक्षण नहीं मिला तो फिर भाजपा से गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी का उद्देश्य निषाद समेत 27 जातियों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का अधिकार दिलाना और जातिगत जनगणना कराना है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के एक संबोधन में ये बातें कही है। दोस्तों पटना पहुंचे कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है और आरजेडी के फैसले पर कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास एक न्यूज चैनल से बातचीत में कई बातें कही है। जय भक्त चरण दास ने कहा है कि हमने आरजेडी को यह कह दिया था कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर हमारा उम्मीदवार होगा और हर हाल में हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे कि दोनों सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। भक्त चरण दास ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए भक्त चरण दास ने कहा कि जिस तरीके से काम कर रही है उससे महागठबंधन कमजोर हो गया। यह राष्ट्रीय जनता दल को समझना चाहिए कि कांग्रेस को कमजोर करने से उसे ही नुकसान होगा। अगर हम विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करते हैं तो फिर तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ती है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाने की स्थिति के करीब पहुंचती है। दोस्तों पूर्णिया में सभी पुस्तकालय का लुक बदल रहा है। जब बड़े पैमाने पर किताबों की खरीदारी हो रही है, जब पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने कहा है कि पूर्णिया जिला में गांव-गांव पुस्तकालय खुलवाने के सपनों को धरातल पर उतारा गया है, जहां अब तक करीब 1,00,000 से भी अधिक पुस्तकें जमा हो गई है। जब पूर्णिया जिले के पंचायत भवन और सामुदायिक भवन को इसके लिए चिन्हित किया गया है, हर पुस्तकालय में कम से कम 500 पुस्तकें रखने की व्यवस्था है। दोस्तों बिहार में बढ़ती बाइक दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। दरअसल बिहार में बाइक दुर्घटना में मरने वालों की संख्या दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है। 2019 से 2021 के आंकड़ों की अगर बात करें तो फिर बिहार में महज 2 साल में 872 लोगों की जान चली गई है, और भी बाइक एक्सीडेंट से। इन मौतों का सबसे बड़ा कारण है बगैर हेलमेट बाइक चलाना। अब इन आंकड़ों को देखते हुए परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि नया 2-व्हीलर के साथ ही तय मानक वाला हेलमेट भी शोरूम से खरीदना होगा। जब बगैर इसके 2-व्हीलर की डिलीवरी नहीं होगी, साथ ही अगर कोई डीलर नियमों में कोताही करता है तो फिर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर आप नया गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं शोरूम में तो आपको गाड़ी के साथ हेलमेट खरीदना अनिवार्य होगा शोरूम से ही। अगर आप नहीं खरीदते हैं हेलमेट तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। जब बढ़ती बाइक दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए साफ कहा है कि 2-व्हीलर डीलर है बगैर हेलमेट गाड़ियों की डिलीवरी ना करें। डीलर ये सुनिश्चित करें कि वे गाड़ी की डिलीवरी गुणवत्ता वाले और तय मानकों के हेलमेट के साथ ही करेंगे। अगर डीलर इन नियमों में कोताही करता है तो फिर उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। यह सरकार के इस फैसले का स्वागत डीलरों ने भी किया है और कहा है कि इस नियम के लागू होने से अब ग्राहक भी हेलमेट खरीदने में अनाकनी नहीं करेंगे। वहीं सरकार के इस फैसले का 2-व्हीलर खरीदने पहुंचे ग्राहकों ने भी स्वागत किया है और कहा है कि ये निर्णय स्वागत योग्य है। लोगों ने कहा है कि सरकार के डर से नहीं बल्कि अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट पहने। दोस्तों मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरू होने के 7 साल बाद भी 1/4 से अधिक परियोजना पर काम शुरू नहीं हुआ है। यह सांसद आदर्श ग्राम योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 9 अक्टूबर 2021 तक योजना के तहत 2314 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है और ग्राम विकास की योजना मत 82,918 परियोजनाओं में से 53,352 परियोजनाएं एवं गतिविधियां पूरी हुई है, जबकि 6,416 ग्राम विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस प्रकार से योजना के तहत ग्राम विकास की 23,110 परियोजनाएं एवं गतिविधियों पर काम शुरू नहीं हुआ है, जो कुल कार्यों का 1/4 से भी कुछ अधिक यानी कि 28% होता है। यह सांसद आदर्श ग्राम योजना के आंकड़ों के अनुसार योजना के लिए चयनित 2314 ग्राम पंचायतों में से 1717 ग्राम पंचायतों ने पोर्टल पर ग्राम विकास परियोजना का ब्यौरा अपलोड किया है। आपको बता दें कि गांव के विकास के लिए सांसद आदर्श ग्राम योजना का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लाल के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में किया था। 11 अक्टूबर 2014 को यह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत सांसदों को अपने क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम का चयन करके उसके विकास करना था। योजना के तहत 2014 से 2019 के बीच चरणबद्ध तरीके से सांसदों को 3 गांव गोद लेने थे और 2019 से 2024 के बीच
5 गांव गोद लेने की बात कही गई थी। विकास और सामाजिक विकास को बढ़ावा देकर ग्राम विकास करने की बात कही गई है। इसके तहत स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल विकास, बुनियादी सुविधाएं, सामाजिक न्याय और सुरक्षा आदि कार्यों को शामिल किया गया है, लेकिन अब तक इस मामले में 28% काम नहीं हो पाया है। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जो काफी हैरान कर देने वाली है। यहां बैंक ऑफ बड़ौदा में एक मृत व्यक्ति के खाते से 26 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है। कोर्ट ने इस मामले में बैंक मैनेजर समेत 2 लोगों पर केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। दर्ज परिवाद के अनुसार आरोपियों ने मिलकर परिवादी के पिता की मृत्यु होने के बाद उनके बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सासाराम से मृतक के फर्जी हस्ताक्षर द्वारा उनके बैंक खाते से 26 लाख रुपए की निकासी करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।